आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हुई है। वैसे पहले से ही हम लोग इस काम में आगे बढ़े हुए थे। अपनी केंद्र सरकार ने आज राज्यों को देशों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और राज्य सरकार के जिम्मे में सारी चीज़ें डाल दी गई और राज्य सरकार की स्थिति आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होगा। और अब कहा जाए, मुझे लगता है जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, जो एडवाइजरी नोट लगातार आते रहता है, उसके आधार पर हम कितने आगे चल पाते हैं। अभी कुछ चीज़ों पर हम लोगों ने रियायती दी और इस पर हम लगातार नज़र, हमारी हर गतिविधियों पर रहेगी। अगर निर्णय के अनुरूप वो गतिविधियां नहीं होंगी तो इस लॉकडाउन को जो खोला जा रहा है उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। अभी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन एक स्लोली प्रोसेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार कभी 60, कभी 70, कभी 40, कभी 42 संक्रमित लोग मिल रहे हैं। अगर वो लोग फिर बाजार में घूमने लग गए फिर स्थिति क्या होगी? इन सब को ध्यान में रखकर थोड़ा लॉकडाउन को खोलने की गति हमारी धीमी है और मंदिर मस्जिद जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं खुलेंगे। और मुझे लगता है कि फाइनल लॉकडाउन निर्णय होने के बाद ही धार्मिक स्थलों पर हम लोग निर्णय लेंगे और बाकी सारी चीज़ें आपको विभाग के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन कंपोनेंट खुले हैं, कौन कौन कंपोनेंट नहीं खुले हैं और लोगों के अंदर में जो एक डिस्ट्रेस है, जो तनाव है, उस तनाव की दिशा में भी हम लोगों ने को खत्म करने की दिशा को ध्यान में रख करके भी ये निर्णय लिया और इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगे आगे हम लोग फिर विचार करेंगे। ये जब तक लास्ट लॉकडाउन का ओपनिंग का निर्णय राज्य में नहीं होगा वो सबसे आखिर में यह निर्णय लिया जाएगा। ये बिल्कुल वो भी विषय है, वो भी अभी बंद है, उस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। और हमने पहले भी कहा है जिस तरीके से हम लोगों ने लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया है और उस विचार मंथन के साथ हम लोग खोल रहे हैं, ये नहीं कि ये खुल गए तो खुल गए, अब ये बंद नहीं हो, ऐसी बात नहीं। अगर संक्रमण की घट बढ़ में कोई परिवर्तन होगा तो निर्णय में भी परिवर्तन होगा। राज्यसभा चुनाव को अब ये भी केंद्र सरकार को करना था, चुनाव होगा तो उसका भी हम लोग ये करेंगे, प्रक्रिया पूरा करेंगे। सर, जो एक्सपोर्ट भ्रष्टाचार को लेकर दो निर्णय आज लिए हैं सरकार ने,
एक धनबाद को लेकर है, जल संसाधन विभाग को लेकर है। सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं ये विद्वेष की भावना कभी बीजेपी कह रही है। यही तो समझ समझ की बात, ये सरकार द्वेष भावना से कभी काम नहीं करती, ना कभी हम लोगों ने द्वेष भावना से कोई राजनीति की है, ना काम किए। और आज ये सरकार बिल्कुल एक पारदर्शिता के साथ काम करना चाहती है, और इस कड़ी में जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई होगा, जो सही हुआ उसको सराहा जाएगा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेके जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये गाइडलाइन अभी जारी किया लॉकडाउन अनलॉक वन को लेकर, उससे खतरा बढ़ गया है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू भी हो गया है, लोगों के बीच में स्प्रेड हो, झारखंड में भी बहुत मजदूर बाहर से आए हैं, तो आपको नहीं लगता सर कि आप? हमने कहा ना कि अभी हम लोग हफ्ते भर इसकी इस पर कड़ी नज़र रखेंगे। मैंने पहले भी कहा ये निर्णय ये नहीं कि अब ये खुला तो अब खुला रहेगा, बंद नहीं, ये निर्णय फिर इस निर्णय पर पूरा विचार होगा। अभी हम लोग इस पर पूरा क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे इस निर्णय पर और इस गतिविधि पर।